अगर इस देश में पॉलिटिशियंस के बाद किसी को सबसे ज़्यादा गाली पड़ती है तो वो होते हैं बड़े बिग बिजनेस टाइकून्स। एंड इसके अंदर अंबानी और अडानी को तो लोग अपने घर में बैठ के ऐसे गालियाँ देते हैं जैसे उन्होंने उनके घर से उनका नमक चुरा लिया हो। बट अगर एक नाम ऐसा हो जिसे आज तक किसी ने भी कुछ भी बुरा भला ना कहा हो और इतनी करोड़ों की वेल्थ होने के बाद, तो वो एक नाम है रतन टाटा। बट अब रतन टाटा जी हम लोगों के बीच में नहीं रहे, वो हम सब लोगों को छोड़कर जा चुके हैं। बट हम सब लोगों को जानना चाहिए कि why no one hates रतन टाटा। आप अपने आसपास में जहां भी नजर घुमाते हैं, आपको जो भी प्रोडक्ट दिखता है, चाहे वो आपको खाने वाला नमक हो, अगर आप गाड़ी से ट्रेवल करते हैं तो वो टाटा मोटर्स की कार हो, या अगर आप फ्लाइट में जाने की सोचते हैं तो वो विस्टारा हो या एयर इंडिया हो, या अपने घर बनाते हैं तो उसके अंदर जो स्टील लगा होता है वो टाटा का ही होता है। आपकी नज़र जहां तक जाएगी हर जगह आपको टाटा का कोई ना कोई प्रोडक्ट दिख जाएगा। अगर आप ज्वेलरी खरीदेंगे तो वहाँ पे तनिष्क भी होता है। अगर आप काजल लगाते हैं आँखों में, लैक्मी, वो भी टाटा का ही है, जिसे पहले लक्ष्मी के नाम से था बट अब उसका नाम बदल के लैक्मी कर दिया गया। टाटा हमेशा था और हमेशा हम सब लोगों के साथ रहेगा। बट अब रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं है, बट उन लोगों की लेगेसी अभी भी हमारे साथ हैं। हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या वो रीजंस हैं, क्या वो कहानी है इस लेजेंडरी इंसान की, जिस वजह से कोई भी उन्हें हेट नहीं करता। सर जी, टाटा कुड जस्ट एज वेल हैव डेडिकेटेड टाटा स्टील टू द नेशन और डेडिकेटेड टाटा पावर टू द नेशन। टाटा शब्द इस देश में सेवा से जुड़ा हुआ एक पर्यायवाची शब्द बन गया। आई थिंक ही इज मोर यू नो व्हाट कैन वी डू टू चेंज इंडिया, व्हाट कैन वी डू टू चेंज द लाइव्स ऑफ पीपल। साल था 1858, पूरी दुनिया के अंदर टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जलवा था, कॉटन गोल्ड के भाव बिक रहा था और अमेरिकन्स अपना कॉटन ब्रिटेन को बेच के बहुत ही मोटा पैसा कमा रहे थे और स्लेव से दिन रात काम करवाते थे। फिर साल आता है 1861 का, उस समय स्लेवरी फिनिश हो जाती है, सिविल वॉर चालू होती है, 2 साल तक चलती है, पर अंग्रेजों की डिमांड कहाँ ही रुकने वाली थी। वो भारत की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि इधर से थोड़ा सा कॉटन मिल जाए और हम लोगों की डिमांड पूरी हो जाए। और जब वो ऐसा सोचते हैं तो उस समय जब वो भारत के अंदर आए तो वहाँ पे थे नुसेरवंजी टाटा। उन्होंने उनकी इस डिमांड को पूरा किया। उस समय जमशेद जी टाटा वहाँ पे कम्प्लीटली काम तो नहीं करते थे, बट वो एक असिस्टेंट की तरह वहाँ पे अपॉइंटेड थे। उन्होंने कॉटन दिया और पैसा कमाया, बट 2 साल बाद सिविल वॉर रुक गई और उसके बाद अमेरिका से दोबारा कॉटन की सप्लाई चालू हो गई। अब तक जमशेद जी को बिजनेस के बारे में बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ गया था। अब साल आता है 1869 का, इस समय वो चिंचपोकली में एक बंद पड़ी ऑयल मिल को खरीदते हैं एंड उसका एक कूल सा नाम उस टाइम के हिसाब से अलेक्जेंड्रा मिल रख देते हैं एंड वहाँ पर अपना कॉटन का बिजनेस चालू करते हैं और उसके बाद वो कॉटन एक्सपोर्ट करने लगते हैं। इसी समय स्विस कैनाल भी ओपन हो चुकी थी, भारत से लंदन की दूरी 7,000 किलोमीटर तक कम हो गई थी, एक बहुत ही शॉर्टकट क्रिएट हो गया था। मार्जिन तो अच्छा था बट उनको समझ में आया कि ये बिजनेस लॉन्गर रन में काम नहीं करने वाला है, इसलिए उन्होंने 2 साल के अंदर ही इस बिजनेस को कम्प्लीटली बंद कर दिया और उसके बाद वो इंग्लैंड के लंकाशायर गए। टेक्सटाइल हब कहा जाता था जिसे पूरी दुनिया का उस समय, वहाँ पे 2500 से ज़्यादा मिल थी और हर साल 8 बिलियन यार्ड से भी ज़्यादा कपड़ा उत्पादित किया जाता था, जिसका सिंपल सा मतलब है 50% से भी ज़्यादा कपड़ा पूरी दुनिया का उस समय का जस्ट उस एक छोटे से शहर से एक्सपोर्ट किया जाता था। एंड इन सब के बाद जैसे ही वो भारत आए, उन्होंने भारत में एक खुद की मिल इस्टेब्लिश करी एंड वहाँ से शुरू होता है एक नया सफ़र। जमशेद जी को सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा था। एम्प्रेस मिल जो उन्होंने खोली थी उसको उन्होंने बहुत ही सोच समझ के बॉम्बे की जगह नागपुर में खोला, वो भी 1869 के अंदर। उसके 3 मेजर रीजंस थे। सबसे पहला रीज़न था कि वहाँ पे जो कॉटन के फार्म्स थे वो बहुत ही ज़्यादा पास थे, दूसरी बात है हैंडलूम इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा पास थी वहाँ पे, बाजार एंड बाकी सारी चीज़ें, एंड तीसरा मेजर रीज़न कि कोल माइंस भी वहाँ से बहुत ज़्यादा ही पास थी। इन तीनों रीजंस की वजह से वो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन बन गई एंड इस मिल के अंदर उन्होंने US से इम्पोर्ट करके मशीन्स मंगवाई, वो भी बैलगाड़ी के ऊपर, मतलब US से शिप में मंगवाई, इसके बाद बैलगाड़ी के जरिए उन्होंने वो जो मशीन्स हैं नागपुर तक वो लेकर आए और उसके बाद उस मशीन्स को इंस्टॉल किया। उन्होंने उस रिंग फ्रेमवर्क का यूज़ किया जो कि US में खुद टेस्टिंग फेज के अंदर था एंड इसका रिजल्ट ये आया कि उनका जो प्रॉफिट है वो आसमान छूने लगा। एंड इसमें सबसे बड़ी बात जो आपको दिख जाएगी, ये जिस भी बिजनेस के अंदर गए वहाँ पे इन्होंने प्राइम मूवर की तरह एक्ट किया, यानी कि ये वहाँ पर
पहले थे उस बिजनेस के अंदर काम करने वाले, इन्होंने रिस्क लेने से कभी डरे नहीं। एंड ये चीज आपको बार 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 रिपीट होते हुए इनके सभी बिजनेसेस में दिखेगी। बट क्या सिर्फ रिस्क लेना और क्या सिर्फ प्राइम मूवर होना किसी भी इंसान को किसी भी बिजनेस में सक्सेस दिला सकता है? नहीं। तो क्या बेस्ट चीज है? वो सेकेंड चीज होती है क्वालिटी। अगर मैं आपको वर्ल्ड वॉर टू का इंसिडेंट बताऊं, बात है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की। उस समय ब्रिटेन अलाइड फोर्सेस के साथ नाजी जर्मनी के साथ युद्ध में था। उन्हें स्टील की डिमांड थी अपने टैंक्स बनवाने के लिए आर्मी के लिए। उन्होंने भारत की तरफ देखा और भारत के अंदर जमशेद जी ये काम 1907 के अंदर ही चालू कर चुके थे। जब उन्होंने भारत की तरफ देखा तो उन्होंने 110 प्रकार का स्टील रेडी कर लिया था। एंड उस 110 प्रकार के स्टील की जब टेस्टिंग करी तो उन्होंने उसको अप्रूव किया और उन्होंने उससे टैंक्स बनवाए, और उससे ऐसे अभेद्य टैंक्स बनाए गए कि उनके ऊपर कोई भी बम असर ही नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उन्होंने खुद अलाइड फोर्सेस ने कहा कि अगर भारत का स्टील ना होता तो हम ये जंग हार जाते। बात यहाँ तक है कि जब जापान ब्रिटेन के अगेंस्ट हो गया तो वो जमशेद जी के स्टील प्लांट के ऊपर बम गिराने तक की प्लानिंग कर रहे थे कि किसी प्रकार से ये स्टील का प्रोडक्शन रुक जाए और हम ये जंग जीत जाएं। हावड़ा ब्रिज से लेकर भांगड़ा नागर डैम तक हर जगह टाटा का ही स्टील लगा है। इनकी क्वालिटी कितनी अच्छी है मुझे वर्ड्स में बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। एंड आज से 8-10 साल पहले कार्स के अंदर सेफ्टी की कौन ही बात करता था, एंड वहीं टाटा की कार्स के अंदर हर कार के अंदर नेक्सॉन 5-स्टार रेटिंग होती है। क्योंकि कार कितनी भी अच्छी हो किसी टीन के डब्बे में बैठकर हाईवे पे तो नहीं चला जा सकता। एंड यही बात अब भारत का हर कंज्यूमर सोच रहा है, और ये बात लाने वाला कोई और नहीं टाटा ही था। टाटा ही था जिसने अपनी कार्स के अंदर इतनी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इंट्रोड्यूस करी सभी कस्टमर्स के लिए। इंडिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के अंदर इंडियन रेलवेज, आर्मी और पैरामिलिट्री के बाद टाटा की कंपनी ही है जो सबसे ऊपर है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। एंड यही नहीं, हमारी देश की जीडीपी में बहुत बड़ा भाग टाटा की तरफ से ही जाता है, क्योंकि इनकी सिर्फ एक कंपनी नहीं है, बहुत सारी कंपनीज है। यहाँ पर एक इमेज आ रही होगी, आप उसको रोक कर पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनीज टाटा के अंडर आती हैं। कुछ ऐसी कंपनीज है जिसके बारे में आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, बट वो भी टाटा के अंडर ही आती हैं। एंड इतना ही नहीं है, सिर्फ ये कैंसर हॉस्पिटल भी बना रखे हैं जिसके अंदर फ्री में काफ़ी लोगों का इलाज किया जाता है। एंड इनकी टोटल वेल्थ का 66% से ज़्यादा भाग चैरिटी के अंदर जाता है। अगर कोई इंसान इतना कुछ करता है तो फिर भी लगता है क्या आपको उसके लिए कोई एक रीज़न भी हो सकता है इंसान को हेट करने के लिए? दैट्स वाई आई से देयर इज़ नो रीज़न टू हेट रतन टाटा। एंड इतना ही नहीं, आज रतन टाटा जी हमारे बीच में नहीं है, बट उनकी लेजेसी हमारे बीच में है और शायद वो हमेशा हमारे बीच में रहेगी। रतन टाटा जी भले ही हमें वो छोड़ के चले जाएं, बट वो हमेशा हमारे दिल में थे, हैं और रहेंगे। और इसी के साथ हम इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। धन्यवाद।